हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट जो है, वी नो कि थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि पीछे से ही वर्कशीट आनी जो थी वो पेंडिंग थी। तो हमें भी ये वर्कशीट आज सुबह सुबह ही मिली है, और जैसे ही ये वर्कशीट मिली है हम यहाँ पर आपके लिए उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इस वाली वीडियो में हम करेंगे आपकी साइंस की वर्कशीट। तो क्लास 10th की साइंस की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 28, मंडे की 7 सितंबर की जो वर्कशीट है वो हम कर रहे हैं। ये वर्कशीट है लाइफ प्रोसेसेस पर। तो ऑलरेडी आप लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उसी का एक और लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। उस पर आज का डिस्कशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे अंदर जो है चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। तो आप देखते होंगे, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेट से आपको अपने घर से मार्केट तक जाना है, हो सकता है आप साइकिल से जाएं, हो सकता है आप बाइक से जाएं, हो सकता है आप कार से जाएं, हो सकता है आप मेट्रो ट्रेन लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तो ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, यातायात के साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स के अंदर चीजें अगर इधर से उधर लेकर जानी है तो क्या चीजें हो सकती हैं, वो होंगी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो होगी एनर्जी होगी। तो वो कैसे होता है, तो अगर आप एक हाथ उठा पा रहे हैं, वो एनर्जी आपके पास कहाँ से आई, वो हाथ उठाने की, आप बोल पा रहे हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आई, तो वो एनर्जी जो है वो इधर से उधर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स आर लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो हमें जो है, ह्यूमन बींग्स को जो है, हमें एक रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, फूड की। तो क्योंकि हम भी बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं की तरह हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हमें जो है वो इस तरह की प्रोसेसेस हमें चाहिए होता है। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे चीजें सर्कुलेट होती हैं, सर्कुलेट होना मतलब कि इधर से उधर जाना, ट्रांसपोर्ट होना, तो इसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और ये जो सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारे सब्सटेंसेस को, अलग अलग सब्सटेंसेस को, अलग अलग चीजों को इधर से उधर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या पार्ट्स हैं? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है हार्ट। हमारा जो दिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो है ये पंप करता है ब्लड ऑल अराउंड द बॉडी। तो हमारी बॉडी के चारों तरफ ये पंप करता है। फिर दूसरा है ब्लड वेसल्स। तो वेसल्स, वेसल का मतलब होता है कोई रखने वाली चीज, जैसे कोई बर्तन। तो अगर आपकी कटोरी है वो एक वेसल है, उसके अंदर आप कोई चीज भर सकते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल एक तरह से एक चीज है जिसके अंदर ब्लड भरा जा सकता है। अब ये वेसल कैसे कैसे होते हैं, ये या तो आर्टरीज हो सकती हैं, या ये वेन्स हो सकती हैं, या ये कैपिलरीज हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है ब्लड जिनके अंदर भरा होता है वो ये चीजें हैं। फिर है ब्लड एंड लिम्फ। तो ये भी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या काम करते हैं, ये होते हैं मीडियम फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। तो अब जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो किस किसके थ्रू हो रही है, वो मीडियम क्या है जिसमें भरकर जा रही है, वो तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है। जो पंप कर रहा है वो है हार्ट, वो ब्लड भेज रहा है, ब्लड आर्टरीज, वेन और कैपिलरी के अंदर भर कर जा रही है। बट जो चीजें हैं वो कैसे जा रही हैं, तो वो जो है वो ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू, ब्लड ब्लड या लिम्फ वो मीडियम है जिसके थ्रू जो है ये चीजें जो है वो भर कर जा रही हैं। और ब्लड जो है वो इसके अंदर आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग समझने के लिए। अब जो ये चीजें हैं एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज कम्पोज ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स होती हैं, स्पेशलाइज ये मसल्स होती हैं जो हार्ट के अंदर होती है। तो हार्ट इन मसल से बना हुआ होता है, तो मस्कुलर ऑर्गन है ये, इसमें बोन्स नहीं है बल्कि मसल्स हैं। इट इज एज बिग एज आर फिस्ट। तो अगर हम एक मुट्ठी बनाते हैं, अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, तो उतना बड़ा हमारा दिल होता है। द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज ऑफ 4 चेम्बर्स। तो 4 इसमें चेम्बर्स हैं। चेम्बर्स मतलब कमरे, एक तरह से कमरों की तरह 4 कमरे हैं यहाँ पर। वो है राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। तो आपको यहाँ याद रखने हैं दो वर्ड्स, लेफ्ट और राइट, और दो वर्ड्स एट्रियम और वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बस ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे है? अब हार्ट में हमने बोला हार्ट पंप करता है, लेकिन कैसे पंप करता है, तो वो आपको बता देते हैं। उससे पहले एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट यहाँ दे रखा है कि द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल अडल्ट। तो एक जो नॉर्मल अडल्ट जो है, 18 की अबव का एज जो है, कोई उसको कोई कंडीशन नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो वो अगर अपनी हार्ट बीट चेक करे तो हर मिनट हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है। आप अपने पेरेंट्स से भी इसको चेक करा सकते हैं, कि या आपके बड़े भाई बहन है या कजन है, आप उनसे भी चेक करा सकते हैं। अगर 1 मिनट तक वो अपनी हार्ट बीट ट्रैक करेंगे, अगर उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो उनका जो है हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। फिर है हार्ट पंप्स अबाउट 70 मिलीलीटर इन 1 कार्डियक साइकिल। तो एक जो कार्डियक साइकिल है, वो कार्डियक साइकिल क्या होती है हम अभी डिस्कस करेंगे। वो जो है उस एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जो है वो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है। तो ये फैक्ट थे हार्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं कि हार्ट के बारे में क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रॉम द लंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट जो है हमारे लंग से एक तरह से कनेक्टेड है, ये सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं। तो फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम हियर इट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा हम आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो जो हवा है वो अंदर जाती है, वो जो हवा होती है वो अलग अलग, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है, तो वो जो है हमारे लंग्स में जाती है। अब हमारे लंग्स जो है वो उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं उस हवा में से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ देते हैं। ये तो हो गया रेस्पिरेशन में। अब जो लंग्स के पास जो ऑक्सीजन आ गई है, अब वो हमें जरूरत है एनर्जी के लिए, लेकिन अब वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगी कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में? यहाँ पर हमारा काम आ जाता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पर फिर काम करता है। तो लंग से हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है, तो जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजन रिच बन जाता है। तो ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, वो आता है यहाँ लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ से वो लेफ्ट एट्रियम, ये जो है यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन से भरा हुआ जो ब्लड है वो आता है, और फिर जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, तो आप जानते होंगे हार्ट बीट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो हार्ट हमारा कभी सिकुड़ता है, कभी फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है, तो जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में आया था, ये यहाँ से निकलकर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम से यहाँ आकर और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ऑक्सीजन से भरा हुआ जो खून है वो यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से, अब यहाँ से जो है ये फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो है इसे पंप आउट किया जाता है। तो ऑक्सीजन रिच है, यहाँ से जो है हमारी बॉडी में ये हार्ट जो है ये पंप आउट कर देता है। जैसे पंप होता है उसी तरह से, जैसे पानी बाहर आता है या बाहर निकलता है, उसी तरह हार्ट जो है यहाँ से ब्लड जो है जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है वो बाहर बॉडी में चारों तरफ वो आगे भेज देता है, पंप आउट कर देता है। अब चलते हैं, तो ये तो हो गया हमारा एक जो है एक साइकिल हो गया, एक सर्कुलेशन हो गया जो ऑक्सीजन रिच है। अब हमारी बॉडी में वो भी वैसा ब्लड भी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बॉडी जो है वो भी ऐसा ब्लड छोड़ती है जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसका ऑक्सीजन यूज हो चुका है, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या अलग तरह की जो है गैसेस हैं जो ऑक्सीजन नहीं है, तो वो जो है वो राइट एट्रियम में आता है, कम्स टू द राइट एट्रियम। ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो हमारा जो है बॉडी से, तो अभी लंग से ये आ रहा था यहाँ लेफ्ट में, लेकिन बॉडी से जो है अब हमारा यहाँ से जो है राइट एट्रियम में
राइट एट्रियम में हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हमारा यहाँ पर राइट एट्रियम में आता है, और फिर अगेन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारा हार्ट जो है सिकुड़ेगा, वैसे ही जो है राइट वेंट्रिकल में ये आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में फिर ये पंप इन हो जाता है, और फिर यहाँ से जो है फिर ये लंग्स की तरफ जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखिएगा, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो फिर वापस जो है लंग्स की तरफ जाता है, और फिर आपको पता है कि लंग्स में जो है ऑक्सीजन आ चुकी है, आप सांस लगातार ले रहे हैं, आपका हार्ट लगातार पंप कर रहा है, तो जैसे ही वह लंग्स में ऑक्सीजन आ चुकी है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन कम है वो वाला खून जो है वो लंग्स में पहुंचता है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेने के लिए, और वहां पर वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, और फिर वापस से वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर वो बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर उसकी ऑक्सीजन बॉडी पार्ट ले लेते हैं और फिर वापस, तो ये इस तरह से जो है ये साइकिल चलती रहती है, और आपका हार्ट बीट जो है वो करता रहता है। तो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन दी एंड एट्रिया डू। तो अब जो है वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ये जो वेंट्रिकल्स वाले जो चेम्बर हैं उनको जो है अलग अलग जो है पंप करना होता है, वेरियस ऑर्गन्स में जो है ब्लड पंप करना होता है, तो इसीलिए उनकी जो वॉल्स हैं वो थिकर होती है, ज्यादा मोटी होती है, तो उनके मसल्स वहां ज्यादा होते हैं और वॉल्स जो है उसके चारों तरफ वो थोड़ी ज्यादा होती है एट्रिया के कंपैरिजन में। तो एट्रिया ऊपर है, वेंट्रिकल नीचे है, तो वेंट्रिकल को पंप आउट करना होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी वॉल्स जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है ताकि वो प्रेशर को जो है वो हैंडल कर सके, झेल सके। वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो वॉल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको वॉल्स। तो ये जो यहाँ पर वॉल्स हैं ये, तो ये जो वॉल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि जैसे यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में खून आया, या राइट से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, तो ब्लड जो है वापस ना चला जाए इनमें, उसकी वजह उसके लिए यहाँ पर वॉल्स होते हैं कि ताकि ये ब्लड जो है वापस ना चला जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो इसी वजह से वॉल्स का यही फंक्शन होता है कि वापस जो है ब्लड फ्लो बैकवर्ड ना कर जाए। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि डबल सर्कुलेशन, तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। तो जो मैं कार्डियक साइकिल की बात कर रही थी पहले कि एक कार्डियक साइकिल में हार्ट जो है वो 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, उसका मतलब यही है कि वो जो एक कंप्लीट साइकिल जो है, ये जो अभी मैंने आपको पूरी साइकिल समझाई कि वहां से आया फिर नीचे गया फिर बॉडी ऑर्गन्स में गया, और फिर बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड है वो इधर राइट साइड में आया और फिर वो लंग्स में गया, तो ये जो पूरी साइकिल है इसमें जो है ब्लड जो है खून जो है वो दो बार हार्ट में आता है, तो एक बार इधर से आएगा, एक बार लेफ्ट से आएगा, एक बार राइट से आएगा, तो दो बार आता है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो अ कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इंश्योर्ड विच इज यूजफुल इन एनिमल्स विच हैव हाई एनर्जी नीड सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये भी जो है ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन बहुत है और ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये जो है ये एक दूसरे से अलग अलग रहें, ये इंश्योर किया जाता है। ये हार्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स और ये जो बाकी वेन्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसलिए इंश्योर किया जाता है क्योंकि जब ये होता है तभी हम जैसे जो हम मैमल्स में आते हैं, हम जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है या जो बर्ड्स हैं, तो उनकी जो है बहुत ही हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, मतलब हमें जो है एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम बैक्टीरिया या वायरस नहीं है कि हमें एनर्जी जरा सी चाहिए, या अमीबा नहीं है, हम जो है बहुत ही हायर ऑर्डर एनिमल्स हैं, इसी वजह से हमें एनर्जी भी बहुत हाई चाहिए होती है। तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगर अलग अलग रहता है तो इससे जो है ये पॉसिबल होता है कि हमें जो है हाई एनर्जी मिले। तो अब चलते हैं आगे, आपको क्या बताया गया है आगे, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई गई है वो बताई गई है ब्लड वेसल्स, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो है वो दो तरह की जो है, तीन तरह की आपको बताई गई है, एक है आर्टरीज और वेन्स और एक है कैपिलरीज। तो पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होती है,
आर्टरीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वेसल का मतलब है कोई रखने की चीज। तो जैसे बर्तन होता है, तो उसी तरह से ये भी आर्टरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स भी जो है वो एक तरह से बर्तन है जिसमें खून रखा जाता है। लेकिन ये काम क्या करती हैं? तो आर्टरीज का काम होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब कि बॉडी पार्ट्स में जो है, जो वो है, जितना भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट की तरफ ले जाए, उनमें बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करे। वहीं वेन्स का पर्पज होता है, वो होते हैं कलेक्टिंग वेसल्स, उनका काम होता है इकट्ठा करना। तो वो अपने अंदर जो है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी पार्ट से, वो उसको अपने अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। वही आर्टरीज जो है जो उनके अंदर खून होता है वो हर जगह बांटती है। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। तो आर्टरीज का काम होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है और पल्मोनरी वेन जो है, इनका अलग काम होता है, वो अभी आपको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन अगर इनको छोड़ दें तो इन दोनों के अलावा जो बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज हैं, उनका काम होता है कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है, वो खून जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, उसे हार्ट से बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, अपने अंदर जो जो इकट्ठा है वो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। वहीं वेन्स का काम होता है कि वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करे, अपने अंदर डाले और फिर हार्ट तक वो ले जाए। तो ये इनका मेजर काम है। फिर तीसरा इनका जो डिफरेंस वो ये है कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती है। तो उनकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो बहुत मोटी होती है और थोड़ी इलास्टिक भी होती है, मतलब कि बहुत लचीली भी होती हैं, फ्लेक्सिबल भी होती हैं। उससे ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो हार्ट से जो ब्लड निकलता है, जब आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है। तो हाई प्रेशर को अगेन झेलने के लिए, उसे बेयर करने के लिए जो है उनकी वॉल्स जो है आर्टरीज की, वो थिक और इलास्टिक होती हैं। वहीं वेन्स की जो है वो कंपैरेटिवली इनके आर्टरीज के कंपैरिजन में थोड़ी थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, थोड़ी पतली होती है और कम फ्लेक्सिबल होती हैं, कम लचीली होती हैं। वहीं आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स नहीं होते हैं। तो आर्टरीज जो है उनके वॉल्स नहीं होते, उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेन्स जो है उनके वॉल्स होते हैं टू एंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो उन्हें ये इंश्योर करना होता है वेन्स को कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर उधर ना चला जाए, वो सीधा हार्ट में ही जाए। तो ये इंश्योर करने के लिए वेन्स में जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ये इसलिए वेन्स में जो है वो वाल्व्स होते हैं, एक तरह से वो डोर, दरवाजे की तरह काम करते हैं वाल्व्स जो होते हैं। वहीं आर्टरीज क्या होता है, उनका तो काम ही है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसलिए जो है उन्हें वाल्व्स की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आर्टरीज जो है वो होती कहाँ है? दे आर डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यूज। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनके बिल्कुल नीचे कहीं पर ये आर्टरीज जो है दबी हुई होती हैं। इसीलिए जो है आर्टरीज अगर कहीं हर्ट हो जाए तो बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं वेन्स जो है वो इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी सुपरफिशियल होती है, थोड़ा ऊपर उठती हैं। तो अगर आप अपने हाथ पे देखेंगे, आपको ग्रीन ग्रीन अगर थोड़ी नसें जो आपको दिखाई देंगी, तो वो वेन्स ही हैं, क्योंकि आर्टरीज के कंपैरिजन में वो हमें ऊपर नजर आ जाती हैं फिर भी। ठीक है, फिर आपको तीसरा यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में बात किया गया है, वो है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती है? दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स। तो इनकी जो दीवारें होती हैं वो एक ही सेल की बनी होती हैं। द कैपिलरीज आर मर्ज टूगेदर टू फॉर्म वेज दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो ये कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये जो है ऊपर जो हमने वेन्स के बारे में पढ़ा, ये वेन्स के साथ ही मर्ज होती हैं, मतलब उन्हीं के साथ होती हैं, ताकि जो है वो वेन्स का जो खून है और वेन्स को जो है वो उनको बाकी जो ऑर्गन और टिश्यू है उनसे अलग रख सके। तो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, और अगर वो इधर उधर हो गया तो हमारी बॉडी में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ताकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाकी ऑर्गन्स और टिश्यू से दूर रहे, इसीलिए कैपिलरीज जो है वो वेन्स के आसपास ही रहती है और उनके साथ ही काम करती हैं। अब आगे चलते हैं, आपके ब्लड के बारे में क्या बताया गया है? तो ब्लड जो है उसके दो तरह के यहाँ कॉम्पोनेंट बताए गए हैं। एक तो होता है ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट जो है, कठोर कंपोनेंट जो है, और एक है लिक्विड कंपोनेंट। तो पानी जैसे गीला जो कंपोनेंट है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहला आपका सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है, और लिक्विड कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा।
तो ब्लड कॉर्पिसल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। तो तीन तरीके के जो ब्लड कॉर्पिसल्स हैं वो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल्स। ये इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा, मैंने अपने जब स्कूल में पढ़ा था मुझे आज तक ये याद है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आरबीसी क्या करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, साथ ही साथ उनमें होता है हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो आपके ब्लड को जो है, ब्लड का रंग, आपके खून का रंग लाल है या लाल की कोई शेड है, वो इसीलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर देता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ बताया गया है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का ऐसा पिगमेंट है जो बहुत ज्यादा जो है ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करता है वो। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी जो है फंक्शन अच्छे से करेगी। वो बहुत ज्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम में आप पहुंच जाए, मतलब एक जो सेंसिबल जो लेवल होना चाहिए ऑक्सीजन का, वो जो है वो हीमोग्लोबिन वो अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन अपने अंदर, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। अब आगे चलते हैं, आपके प्लेटलेट्स के बारे में क्या बताया गया है। तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है, आपको अगर कभी चोट लग जाए और आपके चोट में से खून बहने लगे, तो जैसे अगर छोटी चोट अगर आपको कभी लगी है तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है वो खून जो है बहना रुक गया है और एक वहां पर परत सी जम गई है, मतलब थोड़ा सा हार्ड सा हो गया है। तो इसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई, खून बहना नहीं रुका, या फिर वो एक जो मोटी सी परत है वो अगर नहीं बनी, या जो ऊपर जो है वो कठोर सा नहीं हुआ, हार्ड सा अगर नहीं हुआ, तो क्या होगा, खून बहता ही चला जाएगा। अगर आपकी बॉडी से खून बहता ही चला गया तो फिर पूरा का पूरा बॉडी जो है वीक हो जाएगी और आपकी आपको बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो है ब्लड क्लॉटिंग एक हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि जैसे ही चोट लगती है थोड़ी देर बाद ही ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लॉट करने लगता है। क्लॉट मतलब कि इकट्ठा होने लगता है, साथ में जमने लगता है। तो प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड के अंदर वो ये काम करते हैं। अगला जो है आपका है व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल्स, डब्ल्यूबीसी। तो इनका काम होता है अपने अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, जिससे कि कोई भी अगर बाहर से जर्म्स आए या कोई भी दिक्कत आए तो उनसे लड़ने की जो शक्ति रखते हैं वो रखते हैं डब्ल्यूबीसी। सो ब्लड डब्ल्यूबीसी दे प्रोवाइड द बॉडी डिफेंस, तो वो डिफेंस प्रोवाइड कराता है। तो एक तरह से डब्ल्यूबीसी जो है वो आर्मी की तरह काम करती है कि अगर कोई भी इन्वेडर आता है आपकी बॉडी में, अगर कोई भी बाहर का आता है, तो उससे लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी जो है वो तैयार रहते हैं, और वो जो है जितने भी जर्म्स हैं उनको अपने अंदर पकड़ लेते हैं और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो वो जर्म से लड़ने में जो है आपकी हेल्प करते हैं। तो अगेन ये आपकी बॉडी का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिससे हेल्प होती है आपकी, जितने भी बाहर के जो अनवांटेड चीजें हैं, अनवांटेड जर्म्स हैं, वायरस हैं, उनसे लड़ने के लिए। तो आपको ऐसा खाना जरूर खाना चाहिए जिससे आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स बढ़े, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स को हेल्प करते हैं। फिर लास्ट है आपका प्लाज्मा, ये जो लिक्विड कंपोनेंट है आपके ब्लड का वो है प्लाज्मा। वो कैसा होता है, वो एक येलोइश फ्लूइड होता है, मतलब पीले से रंग का थोड़ा सा ये फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसमें ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। अब हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, अब हवा में तो रहेंगे नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो है लिक्विड जो है उसमें वो फ्लो करते हैं। तो जिसके अंदर वो फ्लो करते हैं वो होता है प्लाज्मा, और ये हेल्प करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो डिजॉल्व फॉर्म में जो है ये सारी मतलब कि घुली हुई फॉर्म में ये इधर से उधर जो है ट्रांसपोर्ट होता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई वेस्ट जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको दी गई है वो है लिम्फ। तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और पार्ट है लिम्फ, इट इज अ टिश्यू। अब लिम्फ क्या होता है, वो टिश्यू फ्लूइड होता है जो विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर
स्पेसेस, तो ब्लड कैपिलरीज में से जो है एक टिश्यू फ्लूइड सा निकलता है. ब्लड कैपिलरीज क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उनमें से एक जो है टिश्यू फ्लूइड निकलता है वो जो है सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, तो हमारी बॉडी के जो सेल है उनके बीच बीच में जो जो छोटे 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 स्पेसेस होते हैं उनमें जो है ये लिम्फ जाता है. इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा. ये ब्लड प्लाज्मा की ही तरह होता है, लिक्विडी होता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन जो है वो कम होता है. इट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन. लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स. तो लिम्फ जो है वो टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है. तो अगेन ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है, चीजें इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में असिस्ट करता है, और साथ ही साथ ये जो है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ चलता है. तो WBC भी ये काम करता है, साथ ही साथ लिम्फ भी ये काम करता है कि ये भी जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो साथ साथ रस्ते में जितने भी जर्म्स आते हैं, अनवांटेड चीजें आती हैं, ये उन्हें खत्म करता हुआ चलता है. तो इसीलिए लिम्फ जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम बीमारियों से कितना खुद को ऑटोमेटिकली बचा पाते हैं वो होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम. मतलब कि कोई भी अगर दिक्कत आती है तो हमारी बॉडी उससे कैसे इम्यून है, कितनी उससे बच सकती है, तो वो जो है उसमें लिम्फ हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अब जो है हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ. तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट्स प्रैक्टिस नाउ, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट. तो आपको जो है ह्यूमन हार्ट का वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है. तो एक तो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है वेल लेबल डायग्राम, जो आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है. आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, यहाँ पर उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो हम भी आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखा देते हैं, आप इसको भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं. हमें लग रहा है कि ये थोड़ी सी ज्यादा मतलब आपको इजिली क्लियरली दिख रही होगी, तो ये आप ये वाली जो पिक्चर है आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये भी क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. चलते हैं वापस से आपकी वर्कशीट पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन टू कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज और वेन्स जो है उनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं. ऑलरेडी हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर चुके हैं, आपको यही ये यहाँ पर इस आंसर में, आंसर टू में आपको ये लिखना है. चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर. तो क्वेश्चन थ्री आपका कहता है कि क्वेश्चन थ्री कहता है राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपको फंक्शंस लिखने हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली जो टेबल है ये आप पूरी लिखेंगे. तो आप पहले ब्लड कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर आप सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट लिखेंगे. आप चाहें तो ये टेबल भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी इनको लिख सकते हैं कि ये RBC का ये काम होता है, ये यहाँ पर प्लेटलेट्स का ये काम होता है, और WBC का ये काम होता है, और फिर प्लाज्मा का ये काम होता है. तो ये सब जो है आप आंसर थ्री में आप लिखेंगे. फिर आपका क्वेश्चन फोर क्या है. क्वेश्चन फोर है गिव रीजन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड सेल्स, और बी पार्ट है वेन्स हैव वॉल्स इन देम. तो आपको ये रीजन बताना है कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड क्यों होती है, उनकी जो वॉल्स होती है वो मोटी क्यों होती है. मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो पार्ट ए का आंसर होगा ये, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर. तो ये लिखना मत भूलिएगा कि आर्टरीज हैव, ठीक है, तो ये लिखना मत भूलिएगा. मैं यहाँ फटाफट से लिख भी देती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगा. आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, तो ये आप यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपका ये आंसर पार्ट ए का बन जाएगा. फिर चलते हैं आपके पार्ट बी का आंसर आपका होगा ये यहाँ पर, ये वाला वेन्स हैव वॉल्स टू एंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. तो यहाँ पर आपको एक और वर्ड ऐड करना है, वो है वेन्स. तो आपको लिखना है वेन्स हैव वॉल्स टू एंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. ये आपका पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फोर पार्ट बी का आंसर. लास्ट है आपका व्हाट इज लिम्फ. तो लिम्फ क्या है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आप यहाँ पर लिखेंगे, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड.
ये पूरा आपका हो जाएगा आंसर 5। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप ऑफकोर्स हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ आ जाए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।